है, मेरे लिए रिकमेंडेशन क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेशन होगा किसी भी कंपनी का पैनल लेने जाओ, वेंडर आपसे एक बात पूछ ही लेगा, सर विद ओपीएस दू या विदाउट ओपीएस दू। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की। एक बहुत बड़ा मिथ कह लो या फिर कह लो कि परेशानी जो हर टीचर एजुकेटर के दिमाग में फंसी हुई है कि भैया पैनल तो खरीदे पर क्या विद ओपीएस खरीदे। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। हम लोग पहले जानते हैं ओपीएस क्या है, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो देखिए ओपीएस क्या है, ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। मतलब क्या कि आपने एक इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदा है ना, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल है, इसको मगर आप अपना कंप्यूटर बनाना चाहो तो इसमें एक छोटा सा सीपीयू फिट करो और उसी सीपीयू को कहते हैं महाशय ओपीएस। यही है ओपीएस। अब समझते हैं क्या ओपीएस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर ओपीएस की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, आप भी बताइएगा, मैं कहीं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा मुझे, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ आपके वेंडर से तो कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ फ्लैट पैनल की। चलिए तो देखिए हम कर लेते, पहला कॉलम बनाते हैं विथ ओपीएस में और एक विदाउट ओपीएस में। और यहां पर सबसे पहली चीज, एक सज्जन से टीचर को, शर्मा जी को क्या चाहिए? तो भैया ऐसा वाला एक बोर्ड चाहिए जिसपे वो लिख सके, पेन में डाल सके, बेंचमार्क में सारी चीज अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं वाइट बोर्ड की। तो ये वाइट बोर्ड क्या अवेलेबल है विद ओपीएस? अगर आप ओपीएस लेते हो तो हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, ओपीएस लो। और ओपीएस नहीं लेते हो तो क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये पैनल में ओपीएस नहीं, व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में भैया हम बात करें कि यार हमको ना पावर पॉइंट पे पढ़ाना होता है ना, तो पीपीटी का यूज किया जा सकता है क्या? तो बहुत ही तरीके से विदाउट ओपीएस में तो बिल्कुल किया जा सकता है और विद ओपीएस में भी किया जा सकता है, तो मैं दोनों में राइट लगा देता हूँ, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजिंग करने से मतलब क्या है मेरा, कि भैया इंटरनेट पे जाओ, कुछ सर्च कर लो, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन ले लो, क्या पॉसिबल है? तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि ब्राउजिंग पॉसिबल है कि नहीं, तो ब्राउजिंग भी पॉसिबल है दोनों के अंदर। ये हो गया। पीडीएफ से पढ़ाना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल पढ़ा दे सकते हैं। और क्या यूज केस लग सकता है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा हम कुछ करते देखा आपने किसी भी ऑनलाइन टीचर को? कुछ भी नहीं, सिर्फ पावर पॉइंट। ये सारी चीजें विदाउट ओपीएस पॉसिबल है, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? चलिए मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप खुद मुझे बता दो कि ओपीएस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ले ओपीएस, ओपीएस की जरूरत क्या पड़ी? वेंडर लोग आते हैं, वेंडर लोग कहते हैं कि भैया इससे आप कर सकते हो लाइव। यार पता हूं मैं आपको, उनके पिताजी भी ना लाइव कर पाए इससे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हम सिस्टम से लाइव करने में हमारे पसीने आते ही, इसके पीछे वायर कितने लगाएंगे, कोई लाइव वाइव होता नहीं है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी लाइव वाला मिथ झूठ है। इसके बाद बोलते हो कि इसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, पावर पॉइंट अच्छे से वर्क करता है। अरे भैया नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो चुकी है, इनकी भी जरूरत नहीं है। तो कोई भी एडवांस पीपीटी फीचर्स विद ओपीएस में नहीं है, बचा कुछ भी नहीं, बस ये कमाने के तरीके। एक दिमाग को लगाते हैं, चलिए वर्स्ट केस में अगर हम ओपीएस लेने की बात करते, मैं आपको मेरे उस पर लेके चलता हूँ। देखिए ये पैनल विदाउट ओपीएस है, मैंने ब्राउजर में गया और मैंने गूगल पे सर्च करा, ओपीएस की इमेज दिखानी थी आप लोगों को, तो मैंने वो इमेज दिखा दी। अब भैया ये ओपीएस है, कितने का है? 20,000 रुपये प्लस टैक्स, जोड़ लो कम से कम। ये नहीं नहीं करते करते ना ये आपको 30,000, 40,000, 50,000 तक पड़ जाता है। अब बड़ी बात क्या है, सोच के देखो, जब आप लैपटॉप लेने जाते हो, सिस्टम लेने जाते हो, तो आप क्या बात करते हो, कौन सी कंपनी का है, प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आप ये ना लोकल उठा लेते हो, ये ओपीएस लोकल ओपीएस मिलता है। तो मतलब ये है कि ले दे के अगर हम ब्रेड खरीदने जा रहे हैं तो ये बटर चिपकाया गया हम पे। तो ना आप कस्टमर के, जो वेंडर की ब्रेड बटर को इन्वॉल्व मत करो, ओपीएस को बिल्कुल ना करो, जरूरत ही नहीं है यार ओपीएस लेने की। आइंदा मुझसे तो कम से कम जब आप मुझसे चैट करें, कमेंट करें, तो ये मत पूछिएगा ओपीएस लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ओपीएस को बिल्कुल लेना है। मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैंने इतने पैनल्स लगवाए हैं, कहीं पर भी
अलाउ नहीं किया, रिकमेंड नहीं किया कि ओपीएस लगवाओ। बट नाउ डेज वेंडर्स क्या कर रहे हैं, ओपीएस को देने के पीछे पड़े हुए, यार ओपीएस लगा लो, ओपीएस लगा लो। टीचर भी हमें ओपीएस मिलेगा, विदाउट ओपीएस मिलेगा? जिस टीचर ने कभी पेन कॉपी से ज्यादा और व्हाइट बोर्ड और पेन से ब्लैक पेन के अलावा चलाया नहीं, वो भी ओपीएस की इन्फॉर्मेशन पूरी ले रहे हैं। यार आपको जरूरत क्या है अननेसेसरी खर्च करने की, आपको खर्च करना ही नहीं है। ये एप्पल की स्ट्रेटेजी है कि चार्जर फंसा दो उसके अंदर, चार्जर का फ्रंट पिन मत दो, बस वायर दे दो, ये वही काम है। तो ओपीएस का कोई ऐसा यूज नहीं है। अब बहुत सारे समझदार लोग कहेंगे कि भैया ओपीएस में बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आप यूज कर सकते हो जो कि एंड्रॉयड टैब में नहीं है। देखिए फीचर्स तो एप्पल फोन में भी बहुत सारे होते, आप सारे फीचर्स यूज नहीं करते, हर फीचर यूजफुल नहीं होता। बात पैसे की हो 2-4 हज़ार की तो मैं कभी इसके अपोजिशन में नहीं खड़ा होता हूँ, बट यहाँ पर बात कॉस्टली है, पैसों की है। हम पैसे बचाने की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस को सक्सेस लाने के लिए सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत जगह यहाँ पे मत करना। तो आज से एक बात मान लो, ओपीएस लेना ही नहीं है, कोई काम का नहीं है ओपीएस, ओपीएस इज टोटली वेस्ट ऑफ मनी। तो देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट कर मुझे बताइए इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मान लीजिए अगर आपने ये वीडियो किसी सही इंसान तक पहुंचा दिया तो दोस्त उसके 20,000 तो ये चाइनीज वेबसाइट पे दिखा रहा है, बट अगर ये 20,000 नहीं कम से कम 40-50,000 हो जाते, बच जाएंगे, उनके पैसे बचेंगे तो हमें कुछ दुआ लगेगी। ऐसे ही आप भी हमारे साथ वैल्यू एडिशन करते रहे, हमारी सर्विस को अवेल करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप तक लाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।